हम इस देश में वंचित शोषित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबको समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो। टाइम आता है तो 20 लोग तेरे बीच में आ जाएंगे, चुनाव के समय वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब तुम्हें हक हिस्सा दिलाना होता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की बात होती है, तब ये लोग नकार देते हैं। आज़ादी के 75 साल में 71 साल से वोट पड़ रहा है, और आज तक आप अगर आजमगढ़ की ही बात करें तो जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान राजभर नाई गोंड बिंद केवट मल्ला आरक अर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार एक भी दरोगा जिले में नहीं है। और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव 4 तारीख को बीता, 11 तारीख को और अन्य जनपदों में है। मेरे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक मैं कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ हैं, मार्टिनगंज नगर पंचायत में है, जो नवागत है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और आपका एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति समझनी है तो मुझे लगता है कि आपको लोगों को पढ़ना चाहिए, युवाओं को पढ़ना चाहिए। आबो हवा आज मार्टिनगंज की क्या कह रही है, क्या कुछ लग रहा है आज की यह भीड़ देख करके आपके सामने है? देखिए, हम आज कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। 20 साल से हम इस देश में वंचित शोषित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबको समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो। टाइम आता है तो 20 लोग तेरे बीच में आ जाएंगे, चुनाव के समय वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब तुम्हें हक हिस्सा दिलाना होता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की बात होती है, तब ये लोग नकार देते हैं। आज़ादी के 75 साल में 71 साल से वोट पड़ रहा है, और आज तक आप अगर आजमगढ़ की ही बात करें तो जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान राजभर नाई गोंड बिंद केवट मल्ला आरक अर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार एक भी दरोगा जिले में नहीं है, है ना? मुसलमानों की आबादी देखिए, राजभर की आबादी देखिए, चौहान की देखिए, कुशवाहा की देखिए, बिंद की देखिए, नाई गोंड पाल प्रजापति की देखिए, क्या वजह है? खाली हम वोट देने की मशीन हैं? तो ये बात हम 20 साल से इन लोगों को समझा रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। और यही नहीं, ये छड़ी की लहर चल रही है। आप अगर फ़ोन करिएगा बलिया, फ़ोन करिए लखनऊ, फ़ोन करिए गाजियाबाद, फिरोजाबाद, आप झांसी, बांदा, प्रयागराज, कहीं फ़ोन करिए 75 जिले में, तो आपको यही लगेगा कि छड़ी वाले भाई बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, चूंकि आपका पुराने दलों से संबंध रहा है, आप बसपा की विचारधारा से, कांशीराम जी की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, आपने कुछ समय तक समाजवादी पार्टी का साथ लिया, भाजपा के साथ आपका बड़ा अच्छा संबंध रहा, आपने पार्टी के साथ समय भी बिताया, तो 24 चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव सेमीफाइनल है, 24 चुनाव अकेले के दम पे लड़ेंगे या फिर किसी के साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, आप लोग ये सवाल जो सेमीफाइनल का करते हैं, हमने देखा कि पंचायत चुनाव में भी सेमीफाइनल आप लोगों ने बताया, उपचुनाव आया तब भी सेमीफाइनल, MLC का चुनाव आया तब भी सेमीफाइनल, अब ये निकाय चुनाव यो सेमीफाइनल, कोई चुनाव सेमीफाइनल नहीं। आप देखिए, गठजोड़ की राजनीति है, दिल्ली में 50 दलों की मिलकर के BJP की गवर्नमेंट है। आज इस चुनाव के बाद जिस तरह का कवायद चल रही है, मायावती जी, अखिलेश जी, नीतीश जी और सोनिया जी, ये चारों लोग इकट्ठा हो जाएँ और ओम प्रकाश राजभर साथ खड़े हो जाएँ, आप बताओ हम आजमगढ़ में खड़े हैं, दोनों सीट में एको सीट जीत पाएंगे? कोई कहा नहीं जीत पाएगा। एक ये बड़ा गठजोड़ होगा, सारे जो समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे, ये लोग खड़े हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में 65 से 70 सीटें जीत सकते हैं ये लोग। दुर्गति सिर्फ नेताओं के, तो ये गठजोड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में ये गठजोड़ बढ़ता है तो फिर आगे हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हो रहा है। बस दो छोटा सा, मैं एक मिनट आप और लूँगा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR नहीं हो रही थी, अब पास्को वैक्ट तक लग गया है, कोर्ट के दबाव में आकर के प्रशासन ने FIR किया, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, क्या लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? देखिए, इस सरकार में दो तरह के कानून हैं, भाजपा के नेता अगर अपराध करें तो उनके लिए कानून लागू नहीं है, अगर वहीं कोई 107-16 में झगड़ा कोई कर ले तो तुरंत पुलिस उठा करके उसको जेल भेज देगी। जिनके ऊपर 83 मुकदमे पास्को एक्ट लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हुआ हो और वो व्यक्ति फ्री घूम रहा हो, ये इससे तो सबको समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में। तो इस बात को लेकर के संविधान के दायरे में पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक अंतिम में बस, लास्ट, अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हुई है प्रयागराज में, हत्या कर दी गई उनकी, योगी सरकार कहती है कि अपराधी या तो चट्टी चौराहे पर मारे जाएंगे या तो फिर सलाखों के पीछे रहेंगे, जिनके चौराहों पर पोस्टर लगा दिए जाएंगे, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नेता जी, अब जाति नहीं होती तभी आपने सवाल इसके पहले किया, सांसद ब्रिजभूषण सिंह जी, अगर जाति नहीं होती तो गिरफ्तारी हो गई होती है ना, 61 की सूची BJP ने ही, पुलिस की मौजूदगी में उनकी हत्या होती है,
ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, आप फांसी दिलवा दें। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जहां 17-17 पुलिस वाले हों और हत्या हो रही हो और किसी, ये क्या दिखता है? अभी हम अगर इसी बार पिछली बार की करें तो 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कितने मुसलमानों को सिपाही बनाया, कितनों को दरोगा बनाया, कितनों को CO बनाया, कितनों को बाबू चपरासी बनाया, खाली ये वोट ले करके इनका खाली वही जो है कब लोग हम लोगों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, सबकी बात कोई कह रहा है।